सबसे पहला है वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में। और आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी के लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का सेकंड पार्ट यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं। और हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो भी टर्म्स होंगे हम यहाँ पर इनको डिस्कस करेंगे। और यही चीज़ें आपसे एग्ज़ाम में भी बेसिक क्वेश्चंस के रूप में पूछी जाती हैं, और यही इंफॉर्मेशन आपको न्यूमेरिकल्स में भी इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, तो जो टर्म्स हैं पहले हम उनको देख लेते हैं कौन कौन से टर्म्स हैं। पहला टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है, और अगला टर्म है पोल, और फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको हम डिनोट करते हैं आर से, फिर है प्रिंसिपल एक्सिस, और उसके बाद है अपर्चर। ठीक है, तो हम एक एक टर्म को यहाँ पर समझते जाएंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास ऑफ विच द स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई लेटर सी। यानी आप देख सकते हैं कि हम किसी एक मिरर की बात करते हैं। चलिए हम यहाँ पर ये जो कॉनकेव मिरर है उसको हम ले लेते हैं, जिसका नाम है APB। ठीक है, APB इस वाले मिरर को हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो इस मिरर में ये जो मिरर है ये इस जिस स्फेयर का पार्ट है, ठीक है, उसका सेंटर, ठीक है, उसका सेंटर, क्योंकि ये जो मिरर बना है किसी न किसी इसके इसी सर्कल के सर्कमफेरेंस का एक हिस्सा होगा, और उसी सर्कमफेरेंस यानी कि उस सर्कल के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, क्योंकि जो उस सर्कल का उस स्फेयर का जो सेंटर होगा वही सेंटर इस जो मिरर है उसका भी वही सेंटर होगा। तो इसको हम इसलिए नाम देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसको हम डिनोट करते हैं सी से। ठीक है, तो इसको देख लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या बोलते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज पार्ट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई लेटर सी। जिस स्फेरिकल मिरर का पार्ट है वो मिरर, उसका जो सेंटर है वही उसका क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पोल। ठीक है, तो पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ द मिरर। ठीक है, जो पोल होता है वो मिरर का सेंटर होता है, ना कि जिस स्फेयर का पार्ट है उसका सेंटर नहीं, उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर पी। तो यहाँ पर देखिए ये जो पी है, हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो पॉइंट आपको पी दिख रहा है ये पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ मिरर है। यानी यहाँ से यहाँ ए पी बी अगर मिरर है तो पी इसका सेंटर मोस्ट पार्ट होगा। ठीक है, हम इस पार्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो पार्ट है इसकी हम बात कर रहे हैं कि दिस विल बी द पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द रेडियस ऑफ द हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज पार्ट। यानी यहाँ पर हम अगर बात करें तो पी से लेके सी तक की जो दूरी होगी, यानी इस दूरी की हम बात कर रहे हैं, इसको हम डिनोट करेंगे रेडियस से। यानी जिस स्फेयर का ये मिरर पार्ट है उसका जो रेडियस रहा होगा उसी को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में आप इस तरीके से भी कह सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड इट इज़ डिनोटेड बाय द लेटर आर। यानी इसको हम लेटर आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, फिर अगला है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। यहाँ पर आपको सिंपल शब्दों में इतना ध्यान रखना है, दिस इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑफ द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो फिर से आपको ध्यान देना है, कोई बड़ा टर्म नहीं है यहाँ पे, जो सी से पी के बीच की दूरी है वो तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कही जाएगी, लेकिन जो लाइन पास होगी सी और पी के थ्रू वो लाइन कही जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, तो हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है,
हम आगे चलते हैं तो इसमें हमारा एक और पॉइंट है अपर्चर। तो ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है अपर्चर, ये आपको इसको ध्यान में रखना है कि क्या कहा जाता है, और आगे की बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम है जिसमें भी इस चीज़ को पूछा जाता है। तो अपर्चर होता है, अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज़ द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, यानी डायमीटर होता है किसी जो भी मिरर है आपका, उसका जो डायमीटर होता है उसी को बोलते हैं अपर्चर। ठीक है, तो हम यहाँ पर मिरर की बात कर लें तो यहाँ पर जो अपर्चर होगा वो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यानी जो ए से बी तक की जो दूरी है, दैट विल बी कॉल्ड अपर्चर। यानी इस डायमीटर को हम क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, और हिंदी में इसको द्वारक कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में इसको द्वारक कहा जाता है, आप इसको ध्यान दे दीजिएगा जिस तरीके से लिखते हैं इसको। ठीक है, एग्जैक्ट आप इसको देख लीजिएगा किस तरीके होते हैं, मुझे बस इसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में पता है। ठीक है, आगे आते हैं इसी स्फेरिकल मिरर के अगले टॉपिक पे, इसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर, यानी प्रिंसिपल फोकस क्या पॉइंट होता है। तो अगर आपको न्यूमेरिकल अच्छे से सॉल्व करना है तो ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसमें आपको पढ़ना है प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस ऑफ स्फेरिकल मिरर के बारे में जानेंगे। कभी आपने बचपन में बहुत खेला होगा हैंड लेंस लेके, बाकी चीज़ों को लेके, तो आपने उसको सूर्य की किरणों को इकट्ठा करके एक जगह पे कागज़ या इस तरीके की चीज़ों को जलाने का प्रयास किया होगा। तो हम यहाँ पर उसी को हम डिटेल में देखेंगे कि वो किस तरह के से काम करता है। ठीक है, तो ये केस मिरर के केस में भी किया जा सकता है। ठीक है, और बाद में इसका हम वाइड जो यूज होता है, एप्लीकेशन होता है जनरली, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि इसका बड़े रूप में हम किस प्रकार से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। अब देखिए, कॉनकेव मिरर मैंने आपको समझाया था कि जो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो केव के साइड होगा, यानी अंदर के साइड होगा। ठीक है, और उसका जो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो आउटसाइड होगा। और जो इसमें द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे एक पॉइंट होता है। ठीक है, दिस इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस टू विच ऑल द लाइट रे विच आर पैरेलल एंड क्लोज टू द एक्सिस, यानी पैरेलल लाइट रे जो आ रही हैं। ठीक है, अब इन्फिनिटी से आने वाली सभी लाइंस को हम कैसे मानते हैं कि वो पैरेलल रेज आ रही हैं, और वो पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होती हैं, किसी सिर्फ एक पॉइंट पे ही कंसंट्रेट होती हैं। दैट मीन ऑल रे कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी कंसंट्रेट एट अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस और फोकस पॉइंट ऑफ द मिरर। यानी सभी पॉइंट, सभी पैरेलल रेस इकट्ठा होती हैं इस तरीके से। तो हम क्या करते हैं कि अगर सन की जो लाइट आ रही है उसको हम इस तरीके से आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी एक पॉइंट पर कंसंट्रेट करते हैं, और यहाँ पे अगर आप कोई पेपर आप रखते हो तो कुछ देर के बाद वो पेपर जलना स्टार्ट हो जाता है। एकदम शार्प पॉइंट आपको कंसंट्रेट करना है इस पर्टिकुलर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो अब इस पॉइंट की कुछ खासियत होती हैं कि सबसे पहला पॉइंट है कि ये पॉइंट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे ही होगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही ये कंसंट्रेट करेंगी सारी रेज। ठीक है, और दूसरा जो मेन पॉइंट है कि ये जो इसको हम डिनोट करते हैं एफ से, ये तो हमारा इसको डिनोट करने का हो गया। और लेकिन ये जो फोकस है, ये इसकी एक खासियत है कि ये पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्ट बीच में होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के एग्जैक्ट बीच में होता है। यानी अगर फोकस से पोल की दूरी एक्स है तो फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की दूरी भी एक्स ही होगी। यानी अगर हम यूँ कहें कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की दूरी अगर वाई है तो पोल से फोकस की दूरी जो होगी वो वाई बाई टू होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी तब वाई बाई टू होगी अगर ये कंप्लीट दूरी वाई है तो। ठीक है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। अ कॉनकेव मिरर हैज़ अ रियल फोकस, कॉनकेव मिरर का एक रियल फोकस होता है जिसपे एक्चुअल मीटिंग होती है। अब रियल का मतलब हमेशा याद रखना है आपको कि वहाँ पे रियल चीज़ें होंगी। ठीक है, तो रियल फोकस का मतलब रियल एक्चुअल मीटिंग ऑफ लाइट भी होगी। ठीक है, सिंस द कॉनकेव मिरर कन्वर्जेस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे, इट आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, अभी तक मैंने इसके पहले आपको नहीं बताया था, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि ये जो मिरर होता है,
दूर से आने वाली रेस को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करने का मतलब आपको पता होगा, मीनिंग की एकत्रित करना, एक जगह इकट्ठा करना, तो वो यहाँ पर कन्वर्ज करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम में आपको कॉनकेव मिरर करके नहीं आएगा, आपको कन्वर्जिंग मिरर करके आ जाएगा। तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उसको सही तरीके से समझें। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी भी रेज हैं वो यहाँ पर कुछ रूल को फॉलो करती हैं, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ भी फॉलो हो रहा है। जितना नॉर्मल यहाँ पे देखिए सी है। और एक और आपको खास बात बता दें कि ये जो पूरा स्फेरिकल मिरर बनेगा, तो इस पॉइंट पे कहीं भी आप नॉर्मल अगर बनाओगे तो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे आप अगर नॉर्मल बनाते हो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब देखिए, यहाँ पे इसका नॉर्मल यहाँ पे ऐसे जा रहा है, तो इससे जो एंगल बना रही है इंसिडेंट रे यहाँ पर आई, वही यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे से एंगल बना रही है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जो एंगल यहाँ पे आई बन रहा है वही एंगल यहाँ पे आर भी बन रहा है। ठीक है, तो और आगे हम देखते हैं इसमें, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए, फोकस की डेफिनेशन आपको बतानी है तो दोनों पॉइंट को आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं हम, कॉनकेव मिरर की बात नहीं कर रहे हैं। तो कॉन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है उस मिरर में कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरीके का होता है, जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटसाइड होता है और उसमें जो सिल्वर वर्निश लगी रहती है वो इनसाइड वाले सरफेस में लगी रहती है। ठीक है, तो इस केस में जब भी कोई लाइट रे यहाँ से जो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उसी से वापस लौट जाएगी। लेकिन जो लाइट रे एट सम एंगल आ रही है, तो यहाँ पर जैसे ही वो टकराएगी तो नॉर्मल इसका क्या होगा कि नॉर्मल कुछ इस तरीके से होगा, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ए रे सीधे बाहर की तरफ चली जाती है। इसलिए इसको, इसका एक और नाम है जिसको जस्ट इसका अपोजिट है कन्वर्जिंग का उल्टा, इसका नाम है डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो इसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब इसके बाद हम आते हैं, इस केस में एक्चुअल मीटिंग नहीं होती है, तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि जो लाइट रे बाहर गई है, अगर ये आगे इस तरीके से जाती तो किसी फोकस पॉइंट पे मिलती। ठीक है, तो इस तरीके की सभी रेस को हम एज्यूम करते हैं कि ये जाके मिलती, तो यहाँ पर जो होता है फोकस पॉइंट मिरर के बिहाइंड में होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे होता है। ठीक है, तो आइए हम उसी को जो यहाँ पे लिखा हुआ है उनके शब्दों में यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर इज अ द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज अ पॉइंट ऑन इट्स प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच अ बीम ऑफ लाइट रे इनिशियली पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो लाइन आ रही थी, लाइट रेज आ रही थी, अपियर्स टू डाइवर्ज आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। यानी ऐसा लगता है कि किसी मिरर के बिहाइंड, मिरर के पीछे से किसी एक बिंदु से वो सभी आ रही हैं फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। अ कॉन्वेक्स मिरर हैज़ अ वर्चुअल फोकस, यानी इसका रियल फोकस नहीं होता, इसका वर्चुअल फोकस होता है। द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर, यानी इसका जो फोकस होता है बिहाइंड द मिरर होता है। सिंस अ कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जेस अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे इट इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर, यानी इस वजह से भी इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट्स आ रही हैं और यहाँ पर सीधे डाइवर्ज होती जा रही हैं, ठीक है। और ऐसा जब इधर से कोई व्यक्ति देखेगा, यहाँ से कोई व्यक्ति देखेगा, तो उसको ऐसा लगेगा कि ये जो सारी लाइट रेज हैं पीछे के किसी एक पॉइंट से आ रही हैं। तो आपको एक दो बात ध्यान में रखनी है कि जो नॉर्मल है किसी भी सरफेस पे, यहाँ भी वही होगा कि जिस स्फेरिकल स्फेयर का जिस स्फेयर का ये मिरर पार्ट है उसका सेंटर भी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, लेकिन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे होगा। इसका फोकस भी उसी का फोकस होगा, यहाँ पे जो फोकस रहता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, लेकिन ये भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे होगा, ठीक है। और यहाँ पर लाइट रेज सचमुच में तो जा नहीं सकती क्योंकि यहाँ पर हमने रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगाया हुआ है, उसको पार करना इनके लिए मुश्किल नहीं मुश्किल है, तो ये पीछे नहीं जाएंगी, यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। तो दे अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट विच इज़ लोकेटेड जस्ट बिहाइंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द मिरर, ठीक है। फिर हम यहाँ पर इनके टर्म में बात करते हैं फोकल लेंथ, तो जो कॉन्वेक्स मिरर है उसके टर्म में फोकल लेंथ की डेफिनेशन हो जाएगी। द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज द डिस्टेंस बिटवीन इट्स पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, यानी पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसको फोकल लेंथ कहा जाता है पी और एफ के बीच की दूरी को, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं एफ से, एफ जो डिस्टेंस है वो है पी और एफ के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। और फिर आगे हम चलते हैं इसमें रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, जिसको हमने अभी ऊपर डिस्कस भी किया था आपको एक्स वाई टर्म में बता के, कि जो ए वाली जो दूरी है पी से एफ की दूरी वो सेम है जितनी एफ से सी के बीच की दूरी है। तो अगर पी से सी के बीच की दूरी को हम अगर आर मान लें, इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर मानते हैं, जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। तो ये आपको फार्मूला हमेशा याद रखना है जिससे आपको भविष्य में क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी हो, ठीक है। और इसी को अगर हम आगे रिलेट करें तो जो आर होगा ये टू उधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो आर विल बी इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज टू टाइम्स ऑफ द फोकल लेंथ, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं रूल्स फॉर ऑप्टेनिंग इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर, यानी जो रूल्स हैं। अब ये बहुत कॉन्सेप्चुअल बात है, अगर ये चीज़ आपको आ गई इमेज फॉर्मेशन, तो जो भी न्यूमेरिकल है उनको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू के आधार पर सॉल्व कर सकते हो, और दूसरा आप कॉन्सेप्ट बेसिस पे आधार सॉल्व कर सकते हो कि जो इमेज होगी वो कहाँ फॉर्म करेगी। तो अगर आपको पोजिशन ऑफ इमेज पता चल गई और टाइप ऑफ मिरर पता है तो आप उसके बारे में सब कुछ आप बता सकते हो कि इमेज की फॉर्मेशन कहाँ होगी और कैसे होगी। तो जो भी क्वेश्चन में एग्जाम में आंसर आता है, तो अगर आप उसकी वैल्यू पहले प्रिडिक्ट ना कर पाओ, लेकिन आपको क्वेश्चन का कम से कम 75% आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। तो कुछ नियम हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, इन नियम को मैंने अभी ऊपर पढ़ाते समय भी मैंने डिस्कस कर लिया था, लेकिन हम उनको यहाँ पर फिर से डिस्कस करेंगे। द इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू रिफ्लेक्टेड रे, यानी अगर किसी इमेज को फॉर्म करने के लिए कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रे का होना जरूरी है, ठीक है। ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट एनी टू ऑफ द फॉलोइंग रेस कैन बी ऑब्टेंड कंसिडर फॉर लोकेटिंग द इमेज, यानी कम से कम दो रिफ्लेक्शन ऑफ रेज पॉसिबल होने चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर कोई भी दो रे लेंगे जो इंड पॉइंट से आ रही हों किसी ऑब्जेक्ट के, यानी अगर हम खड़े हैं तो हमारे सिर और पैर से दोनों साइड से दो रे आनी चाहिए, मिनिमम इमेज फॉर्मेशन के लिए इतनी काफ़ी होती हैं, ठीक है। तो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हम यहाँ पर बात करेंगे कि एक ऐसी रे जो जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट विल पास टू द प्रिंसिपल फोकस। अभी हमने ऊपर भी डिस्कस किया था कि आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट विल पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर अपीयर्स टू डाइवर्ज इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, मतलब कॉनकेव मिरर के केस में क्या होगा कि वो फोकस से पास करेंगी और अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यानी कॉन्वेक्स मिरर के केस में वो बाहर जाती हुई प्रतीत होंगी। तो फिर से हम रिपीट कर देते हैं, कॉनकेव मिरर के केस में अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो अंदर की तरफ मुड़ जाएगी, क्योंकि मिरर का जो डिजाइनिंग होता है उस तरीके का बना होता है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसको अंदर की तरफ डाइवर्ज कर देगा। और इसमें दो बातों का ध्यान रखना है कि ये जो नॉर्मल होगा दैट विल ऑलवेज पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, और द पैरेलल रे कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू द प्रिंसिपल एक्सिस दैट विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द कॉनकेव मिरर। बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर द पैरेलल रे पैरेलल बीम ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द इन्फिनिटी आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट विल व्हाट आई सेड गेट डाइवर्जेस टू द आउटसाइड, एंड हेयर ऑल्सो द नॉर्मल ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस दैट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट विल नॉट एक्चुअली पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज सपोज टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक्चुअली नॉर्मल डजेंट एग्जिस्ट, इट इज जस्ट सपोज थिंग एंड इट विल ऑलवेज पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, द रिफ्लेक्टेड बीम ऑफ लाइट इज ए ग्रो हेयर डाइवर्जिंग टू द आउटसाइड बट इट इज सपोज टू मीट एट द फोकस हेयर, तो यहाँ पर फोकस पे वो
पास होती हुई प्रतीत होगी, बट एक्चुअली नहीं पास होगी, तो पहला नियम है। तो दोनों के केस में आपने ध्यान दे दिया, कॉनकेव मिरर के केस में भी और कॉन्वेक्स मिरर के भी केस में, ठीक है। और रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, अगर कोई प्रिंसिपल फोकस से ही कोई रे पास कर रही है, क्योंकि बहुत टाइम बहुत ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें हमको इमेज फॉर्मेशन के लिए इन बातों का ध्यान रखना होगा। तो अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से आ रही है तो मिरर से टकराने के बाद वो सीधे प्रिंसिपल टू पैरेलल एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस के वो निकल जाएगी। देखिए दोनों केस है, ऊपर वाला ही केस है, अगर यहाँ से लाइट आती तो सीधे फोकस से जाती, लेकिन अगर कोई लाइट फोकस से आ रही है तो सीधे पैरेलल निकल जाएगी, यानी वाइस वर्सा दोनों ट्रू है, ठीक है। और द सेम केस ऑफ एबव इज हियर, कि अगर कोई लाइट इस तरीके से बाहर से आ रही है तो प्रिंसिपल फोकस से होके यहाँ पे जानी चाहिए थी, लेकिन वो प्रिंसिपल फोकस से होके ना जाके वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी, यानी अगेन हियर दैट विल फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड दैट विल गो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस व्हेन इट इज कमिंग डायरेक्टली टू दी फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो आपको पहले मैं कहूँगा कि कॉनकेव मिरर का बहुत ज़्यादा ध्यान में रखिए, फिर वीडियो को दोबारा देखिएगा, तो फिर आप कॉन्वेक्स मिरर का भी ध्यान में दीजिएगा। हम कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के बारे में सबसे ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद एक थर्ड पॉइंट है, जो ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि अ रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट विल अगेन पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से देखिए कि एक लाइट रे यहाँ से आ रही थी और यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हुई और जाके मिरर से टकराई और अगेन वो यहाँ से वापस चली गई। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि नॉर्मल पे ही आ रही है तो नॉर्मल से ही निकल जाएगी। अगर कुछ एंगल बना के आई होती तो कुछ एंगल से निकल जाती, मान लीजिए अगर थोड़ा बहुत तिरछा होगी तो कुछ एंगल बनाएगी तो कुछ एंगल से निकल जाएगी, लेकिन नॉर्मल से इसका जो एंगल बन रहा है जीरो, इंसिडेंस एंगल जीरो, तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी होगा जीरो, तो लाइट रे किधर भी नहीं जाएगी, सीधे नॉर्मल से होके वापस चली जाएगी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट रे आ रही है तो उसी से पास होती हुई प्रतीत होगी। और यहाँ पे भी वही कॉन्वेक्स मिरर के भी केस में है कि अगर कोई लाइट रे इस तरीके से आ रही है दैट इज कोइंसाइडिंग विद द नॉर्मल ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस दैट विल रिफ्लेक्ट टू द सेम पाथ फ्रॉम विच इट इज कमिंग एंड इट विल रिबाउंस बैक इन टू द सेम मीडियम ऑन द सेम पाथ, ठीक है। तो इस बात का उसका ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ द लाइट रे कम बैक अलॉन्ग द सेम पाथ बिकॉज द इंसिडेंट रे फॉल ऑन द मिरर अलॉन्ग द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सर्फेस। वही बात जो मैंने आपको अभी हिंदी में समझाई है वही बात यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि वो दैट विल अगेन व्हाट आई से ट्रेस द सेम पाथ फ्रॉम विच इट इज कमिंग। ओके नाउ फोर्थ पॉइंट, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी अगर कोई जो रे है ऑब्लिकली किसी प्रिंसिपल एक्सिस पे आ रही है तो सिंपल बात है कि यहाँ पे इस केस में भी नॉर्मल क्या है, इस केस में भी नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगा, दैट विल ऑलवेज पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी इस तरीके से हो रहा है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा यहाँ भी और सेम इसी तरीके की कंडीशन वहाँ पे फॉर्म होंगी। बस यही चारों कंडीशंस जरूरी हैं किसी भी सभी प्रकार की इमेज फॉर्मेशन करने के लिए, चाहे ऑब्जेक्ट किसी भी पोजिशन में रखा हुआ हो, ठीक है। रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड द पॉइंट पी पोल ऑफ द मिरर ऑन द कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली, द रे इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रे फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पॉइंट पी मेकिंग इक्वल एंगल्स विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो मैंने आपको वही चीज़ समझाई वही सेम चीज़ होनी है, और यहाँ पर जो कॉन्वेक्स मिरर के भी केस में भी सेम वही लॉ फॉलो होगा और कॉन्केव मिरर के भी केस में वही लॉ फॉलो होगा, क्योंकि किसी पोल पे वो पॉइंट इस तरीके से आ रहे हैं तो पोल पे इसी तरीके के जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होंगे वो फॉलो होंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल दोनों का क्या है सेम एक्सिस पे है, इसलिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी सेम उसी तरीके से लगेगा जैसे लगता है। तो आपको ये जो चारों कंडीशंस हैं ये आपको बहुत ध्यान में रखना है, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर कोई पैरेलल रे आ रही है, सिर्फ कॉनकेव मिरर का भी फिलहाल ध्यान दीजिए आप, अगर कोई रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो आफ्टर पास मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट विल पास थ्रू फोकस, और अगर कोई फोकस से आ रही है तो पैरेलल टू एक्सिस वापस चली जाएगी, और अगर कोई सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो वापस उसी पाथ से वापस भी चली जाएगी क्योंकि नॉर्मल के से कॉन्साइड हो गई, और अगर कोई इस तरीके से पोल पे आ रही है तो जितना एंगल आप वो नॉर्मल के साथ बनाई है प्रिंसिपल एक्सिस पे उतना ही एंगल बना के वो रिफ्लेक्टेड रे पे वो वापस चली जाएगी, ठीक है। तो अब आते हैं हम यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेज बाय अ कॉनकेव मिरर के केस में, ठीक है, किस तरीके के फॉर्मेशन होते हैं उनके बारे में हम अभी हमने जो ऊपर पढ़ा है सेम उसी चीज़ को हम यहाँ पर फिर से देखेंगे, ठीक है।
तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय कॉनकेव मिरर, तो अलग अलग जगह पर पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा और उस तरीके से अलग अलग इमेज फॉर्मेशन होंगी, उनको हमको यहाँ पे ध्यान देना होगा, ठीक है। तो जो सबसे पहला है, टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर डिपेंड ऑन द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन इन फ्रंट ऑफ द मिरर, यानी कहाँ पर जो इमेज रखी हुई है, सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखी हुई है उसके बारे में हम यहाँ पर उसका हमको ध्यान रहेगा, तभी हम इमेज की फॉर्मेशन बना सकते हैं। अगर हमको ऑब्जेक्ट की पोजीशन पता है, ठीक है, तो हम इमेज की पोजीशन के बारे में बता सकते हैं, प्रोवाइडेड वी शुड नो अबाउट द फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर एंड द टाइप ऑफ मिरर आल्सो। ओके, फिर से हम इमेज की सारी इन्फॉर्मेशन बता सकते हैं अगर हमें कुछ जानकारियाँ हों, जैसे मिरर कौन सा है, मिरर का फोकल लेंथ कितना है, मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है और ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है। अगर इसकी जानकारी हमें है तो हम इमेज के नेचर के बारे में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इमेज का नेचर जो हम बोल रहे हैं उसका मतलब है कि इमेज सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, इमेज रियल बनेगा कि वर्चुअल बनेगा, इमेज बड़ा बनेगा कि छोटा बनेगा, ठीक है, इन सारी चीज़ों को हम बताएंगे। और दूसरा, इमेज कहाँ पर बनेगा, हम ये चार चीज़ों को हम बता सकते हैं, ठीक है। फिर से ध्यान दीजिए कि अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन, मिरर का टाइप, मिरर का फोकल लेंथ अगर हमें पता है तो हम इमेज के बारे में इन चीज़ों को बता सकते हैं, जैसे इमेज का टाइप रियल है या वर्चुअल है, इमेज की जो कंडीशन जैसे कि इन्वर्टेड है या इरेक्ट है, सीधी है या उल्टी है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इरेक्ट मतलब सीधा। दूसरा, इमेज का पोजीशन क्या होगा, कहाँ पर बनेगी, और एक और चीज़ कि इमेज बड़ी बनेगी या छोटी बनेगी, इनके बारे में हम यहाँ पर बता सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं केस वन, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन पोल एंड फोकस। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, पोल और फोकस के बीच में है, तब क्या कंडीशन होगी उसको हम यहाँ पर देखेंगे। When an object is placed between the pole and focus of concave mirror, the image formed is, जो इमेज फॉर्म होगा कुछ इस तरीके से होगा, that will be behind the mirror and it will be virtual and erect and larger than the object, यानी this is special case। जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को तो मैं बताता हूँ कि this is special case, ठीक है, special case। special case क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि इस केस में ही वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है कॉनकेव मिरर में, और बाकी सारे केसेस में रियल इमेज का फॉर्मेशन होता है, सिर्फ यही एकमात्र केस है जिसमें वर्चुअल इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखिए इस केस में किस तरीके से इमेज की फॉर्मेशन हुई, सेम इसी चीज़ को मैं यहाँ पर आपको इसके बगल में बना के बताता हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि ये कॉनकेव मिरर है यहाँ पे, ठीक है, आप इस तरीके से कॉनकेव मिरर बनाएंगे और यहाँ पर इस तरीके का इसका फोकस है सपोज, और यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ से कितनी लाइट पास करेंगी, तो एक लाइट इस तरीके से जाएगी कि यहाँ से गई, नॉर्मल हम बनाएंगे तो यहाँ से एक लाइट जैसे जाएगी तो लाइट रे, तो इससे आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट विल अगेन कम बैक एंड दैट विल पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज कॉनकेव मिरर, सो द नॉन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज बिहाइंड द मिरर, हेयर दैट दिस लाइट रे इज जस्ट कमिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और अगेन जो अगली लाइट रे है वो अगर पोल से यहाँ से पास कर रही है तो इस तरीके से यहाँ पे जाएगी, और जो आपको चौथा नियम बताया गया फोर्थ रूल, उसके हिसाब से लाइट रे यहाँ से सीधे इधर चली जाएगी, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा हम इसको हटा देते हैं, यहाँ से हम इसको इस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पर इस तरीके से वो चली जाएगी, जितना जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था उसी तरीके से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये लाइट रे जो होंगी वो इधर पीछे जाएंगी और दे विल अपीयर्स टू बी मीट अप बिहाइंड द मिरर, तो इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर वर्चुअल इमेज बनेगी। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी बनती है, यू विल शो दैट इन डॉटेड लाइन, वर्चुअल इमेज क्योंकि रियल नहीं होती तो वर्चुअल इमेज को हमेशा डॉटेड लाइन से बनाया जाता है, और ये जो लाइट रे हैं ये भी रियल मीटिंग इनकी नहीं हो रही है इसलिए भी इनको हम डॉटेड लाइन बनाएंगे, क्योंकि ये जो इधर से जो लाइट रे गई हैं ये रियल लाइंस हैं, और इधर जो पीछे लाइन गई हैं वर्चुअल लाइन है, तो इनको हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन बनाया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में जो इमेज का साइज होता है बहुत बड़ा होता है और ये वर्चुअल इमेज बनाती हैं, वर्चुअल इमेज को स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता है, ठीक है,
और जो इमेज होती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है। तो इन बातों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। आई होप कि आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, हम इसको फिर से समझाएंगे, आप इनको ध्यान में रखिएगा। तो इमेज जो बनती है वो होती है बिहाइंड द मिरर, ये होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और इमेज का साइज जो होता है लार्जर देन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम एक शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं मैग्नीफाइड, ठीक है। मैग्नीफाइड का मतलब होता है कि द साइज ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, और इस तरीके से सभी नियमों को आपको एक एक करके खुद से जब आप प्रयास करेंगे, खुद से इमेज बनाने का प्रयास करेंगे, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। सेकेंड केस है कि ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, फोकस पे है, तब उसके कंडीशन में क्या होगा। तो जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो एक लाइट रे इस तरीके से जाएगी और यहाँ से तुरंत सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरीके से वापस आ जाएगी और इस तरीके से निकल जाएगी। दूसरा, अब फोकस पे है तो यहाँ से जो लाइट रे पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और इस तरीके से फोकस से पास होते हुए जाएगी, तो ये दोनों लाइट रे कभी भी नहीं मिलती हैं, ये सीधे इन्फिनिटी की तरफ आगे चलती जाती हैं, ठीक है। तो जिस वजह से ये कभी भी नहीं मिलती हैं और इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन हम इसके लिए कहते हैं कि इमेज बनेगा लेकिन इन्फिनिटी पे बनेगा। और यहाँ पे जो लाइट रे जा रही हैं वो सचमुच में आगे जा रही हैं, मतलब ये रियल हैं। ये डॉटेड पॉइंट बस इतना शो करता है कि इनफाइनाइट जा रही हैं, ये वर्चुअल को तो नहीं शो करता, इनको आपको ध्यान में रखना है। तो इन्फिनिटी को शो करते हैं, तो इमेज बनेगा लेकिन इन्फिनिटी पे बनेगा, इसलिए जो लाइट रेस हैं वो एक्चुअली इधर जा रही हैं। तो इस बात को आपको बहुत ध्यान में रखना है, जो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो होगी रियल इमेज होगी, ठीक है, रियल इमेज होगी। इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, रियल इमेज होगी, और रियल इमेज कैसी होती है, हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो हमेशा उल्टी इमेज बनेगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए कि हाईली मैग्नीफाइड, अब ये सबसे कठिन पॉइंट अगर हम बोलें तो ये चीज़, बाकी चीज़ों का आप कोरिलेट कर लेंगे लेकिन आप इस चीज़ को जनरली कोरिलेट नहीं कर पाएंगे कि हाईली मैग्नीफाइड कैसे हुआ, हाईली इनलार्ज्ड कैसे हुआ। तो इस पॉइंट को अभी आप होल्ड पे भी रख सकते हैं, इसको हम बाद में भी समझाएंगे आपको, लेकिन फिलहाल अभी आपको एक बात को इसको या स्टार मार करके आप ध्यान में रख लीजिए कि ये हाईली इनलार्ज्ड बनता है, क्योंकि इन्फिनिटी पे बन रहा है, ठीक है। तो हाईली इनलार्ज हमने कैसे कहा, इसको मैं आपको पूरे फैक्ट के साथ, जब हम सारे चीज़ों को, इसके सारे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज को समझ जाएंगे, तब हम आपको बताएंगे कि इसमें हमने इनलार्ज ही क्यों लिखा, हमने कोई दूसरा वर्ड्स क्यों नहीं इस्तेमाल किया। तो बस अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि दैट विल बी हाईली मैग्नीफाइड एंड हाईली इनलार्ज्ड, ओके। नाउ कम टू द थर्ड केस, ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है। तो ये देखिए, इसका फोकस हो गया और ये हो गया इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस से ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, चलिए हम बड़ा मार्कर इस्तेमाल करते हैं, दिस इज एन ऑब्जेक्ट हियर, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे है सबसे पहले जो जाएगी, दैट विल पास पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमेशा आपको करना है। लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस अगर कोई लाइट आती है तो सीधे आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट विल पास थ्रू फोकस एंड दैट विल गो टू द इन्फिनिट, व्हाट आई से, दैट विल गो टू दिस साइड इन दिस वे, ठीक है। और अगर अगला दूसरा जो पोर्शन जो मैंने आपको बताया था कि एक लाइट रे पास होगी अलॉन्ग द नॉर्मल, यहाँ पे जो जाएगी टकराने के बाद वापस फिर से इसी रास्ते से आएगी और वो इस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से बढ़ते बढ़ते वो यहाँ पर जाएगी और यहाँ पर कट होगी। तो जहाँ पे कट होगी, दिस आर द एक्चुअल मीटिंग ऑफ द लाइट रेस आफ्टर रिफ्लेक्शन, सो द इमेज फॉर्म विल बी रियल हियर। तो रियल इमेज को हम यहाँ पे इस तरीके से शो करेंगे, यहाँ पर ये डॉटेड लाइन नहीं होनी है, यहाँ पर ये पूरी सीधी लाइन होनी है, ठीक है। इमेज को बताने के लिए इसने किया है, क्योंकि ये रियल इमेज बनेगी इसलिए यहाँ पर डॉटेड लाइन नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाली लाइन पूरी कैसी होनी चाहिए, यहाँ पे इस तरीके से डार्क लाइन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये डार्क लाइन बनेगी, बस आपको ये लिखना है, जैसे कि एक बात का ध्यान रखना है, जो नोटेशन आप यूज करते हैं, जैसे आपने यहाँ पर बी यूज किया था इसके लिए, ऑब्जेक्ट के इस पोजीशन के लिए बी यूज किया, तो ऑब्जेक्ट के इसी पोजीशन के अलावा आप यहाँ पे बी डैश का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया है ए उसके टिप के लिए, तो इसके टिप के लिए ही आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे ए डैश, ठीक है। तो ये बताता है कि बी का बना बी डैश, ए का बना ए डैश, तो इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है, आपको बस इतना सा ध्यान रखना है। वर्चुअल इमेज होती तो हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, लेकिन रियल इमेज है तो इसको हम प्योर डार्क लाइन से ही हम इसको शो करेंगे, ठीक है। एक बात का और ध्यान रखना है आपको कि जैसे कि एफ पे क्या था, इनलार्ज हाईली इनलार्ज साइज बना था, तो बी पे आने के बाद वो क्या बनेगा, थोड़ा बड़ा बनेगा, मतलब हाईली इनलार्ज से थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। अब देखिए, फोकस पे था तो इन्फिनिटी पे बना, अब फोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आया जब, तब ऑब्जेक्ट
सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड बना, यानी इन्फिनिटी से पास आ गया। इधर से जैसे जैसे पास जाएगा तो इधर से भी यहाँ पर पास आएगा, ठीक है। मैं पूरा समझाने के बाद आपको मैं इसका शॉर्ट ट्रिक आपको बता दूंगा, आप इसको बिल्कुल समझ जाएंगे, लेकिन आपको पहले बेसिक रूल आपको समझने होंगे, ठीक है। तो कंडीशन क्या था, कंडीशन पर फिर से ध्यान देखते हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तब उस कंडीशन में जो इमेज फॉर्मेशन होगी कॉनकेव मिरर के केस में, दैट विल बी पोजीशन जो होगी दैट विल बी बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड, यानी इधर पीछे साइड बनेगी, बाहर बनेगी, और इमेज जो होगी वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। एक बात आपको और ध्यान रखना है, कॉनकेव मिरर के केस में वर्चुअल इमेज हमेशा सिर्फ एक ही केस में बनती है, दैट इज स्पेशल केस, यानी फोकस और पोल के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, यानी सबसे फर्स्ट केस जो था, ठीक है। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगी रियल होगी, और रियल इमेज हमेशा कैसी होती है, इन्वर्टेड। तो आप इस दो शब्द को एक ना करके आप हमेशा दोनों को इकट्ठा याद कर लो तो ज़्यादा बेहतर होगा, कि रियल एंड इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड इरेक्ट, रियल एंड इन्वर्टेड एक साथ, वर्चुअल एंड इरेक्ट हमेशा एक साथ, वो कभी भी जुदा नहीं होते, दे कम्स ऑलवेज टुगेदर, ओके। नाउ थर्ड पॉइंट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट का जो इमेज का साइज है दैट विल बी लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के साइज से काफ़ी बड़ा होगा, और इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होगी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और हम चलते हैं केस फोर के केस में, ठीक है। ऑब्जेक्ट एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी ऑब्जेक्ट जब कहाँ पे रखा हुआ हो, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये भी बहुत मज़ेदार केस होता है। इस केस में जो इमेज बनती है वो सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के जैसे ही होती है, यानी अगर इमेज यहाँ पे बी ए है तो यहाँ पे बी डैश ए डैश इस तरीके से बनेगी, ठीक है, और ये रियल इमेज होगी और इन्वर्टेड होगी, ठीक है, रियल इमेज होगी और कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। तो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, हम उनको यहाँ पे ध्यान लेते हैं। तो फिर से अगेन एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट इस तरीके से जाएगी, और वो फोकस से पास करते हुए यहाँ से वापस चली जाएगी, और एक चौथा नियम हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे जो इमेज फॉर्मेशन के लिए हमने यूज किया था, वो एक ही इस तरीके से यहाँ से जो लाइट रे आएगी फोकस से पास होते हुए, और आफ्टर रिफ्लेक्शन दैट विल पास पैरेलल टू दी, और हमको मेन करना था कि इमेज फॉर्मेशन के लिए जो मेन बेसिक जो चार नियमों में से कौन से दो नियम हमारे काम आने वाले हैं उनको इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इमेज भी फॉर्म हो गई, ठीक है, और ये रियल मीटिंग ऑफ लाइट से बनी हुई है, कि कोई भी लाइट ऐसी नहीं है जो रियल में ना, मतलब वर्चुअली मिल रही हो, सबके सब रियल मिल रही है, तो रियल बनेगी। तो मज़े की बात यह है कि यहाँ पर जो बी ए है वो बी डैश ए डैश के बराबर है, तो सेम साइज का बनता है। तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना है। फिर से मैं रिवाइज कर दूँ कि जब ये यहाँ पे फोकस पे था तो इमेज इन्फिनिटी पे बनी थी, जब यहाँ पे आया तो इन्फिनिटी से थोड़ा पहले और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी, लेकिन जब सी पे आया तो इमेज सी पे ही बन गई और सेम साइज की बनी, ठीक है, यानी इमेज की साइज छोटी होती जा रही है जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पीछे चलता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर बनेगा, आपको इसको ध्यान रखना है। तो आइए हम इन बातों को ध्यान में रख लें कि कौन कौन से हैं, कि एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर जब होगा, मतलब जब एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इमेज इज फॉर्म एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर भी होगा हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है, और जो साइज होगा वो सेम साइज होगा, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। दिस इज वेरी व्हाट आई से, यही एक ऐसा केस है जो आपको बाकी चीज़ों को याद करने में आपकी मदद करता है, ठीक है। तो इस बातों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगला पॉइंट है हमारा कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इस केस में जो इमेज फॉर्मेशन होती है कुछ इस तरीके से होती है, जैसे कि मान लीजिए ए फोकस है, ए सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ऑब्जेक्ट अब इधर खिसक गया, तो अब आप थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर सकते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, जब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ कहीं पे था तो इमेज बनी थी आपकी बियॉन्ड द सी बनी थी, ठीक है, इमेज आपकी बियॉन्ड द सी बनी थी, लेकिन जब ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे कहीं पे आया तो जो जब ऑब्जेक्ट एफ पे था, सॉरी तो इमेज जो बनी थी इन्फिनिटी पे बनी थी जो दिख नहीं सकती थी, फिर जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आया यहाँ पे तब इमेज बना यहाँ पे, और जब ऑब्जेक्ट सी पे आया तो ऑब्जेक्ट बना सेम साइज एट द सी, ठीक है, और जब एफ पे था तो हाईली इनलार्ज्ड बना, और जब एफ से सी के बीच में आया तो सिर्फ इनलार्ज्ड बना, और जब सी पे आया तो सेम साइज का बना। अब जब बियॉन्ड सी चला जाएगा ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तब इमेज जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में आ जाएगा, और उसका साइज छोटा होता जाएगा। तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिए
कि ऑब्जेक्ट की साइज जो है हाईली इनलार्ज। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि क्यों मैंने फोकस के केस में हाईली इनलार्ज कहा था। तो यहाँ पे हाईली इनलार्ज से इनलार्ज हुआ, इनलार्ज से सेम साइज हुआ, सेम साइज से स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट यहाँ पे इमेज हो जाएगी। और अगर इससे भी ज़्यादा दूर ऑब्जेक्ट चला गया तो भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि इमेज की साइज कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो आप इस तरीके से ग्राफ देख सकते हो कि किस तरीके से ग्राफ घटता जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर जाके पॉइंट साइज का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन होता है, आपको ध्यान में रखना है इन चीज़ों को। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। जैसे इस केस में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, जब व्हेन इन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सी, बियॉन्ड द सी जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यानी यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इससे जो लाइट रे एक पास होगी वो इस तरीके से होगी, यहाँ से सीधे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दैट विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन, दैट विल गो अलॉन्ग दिस साइड। और एक अनदर जो सबसे लास्ट कंडीशन थी कि यहाँ से जो लास्ट कंडीशन नहीं, थर्ड कंडीशन जो थी कि अगर लाइट रे कुछ इस तरीके से आ रही है तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगी। तो अब देखिए इमेज के फॉर्मेशन के लिए यही दोनों कंडीशन सफिशियंट थी। तो जब आप खुद से करेंगे तब तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी कंडीशन का इस्तेमाल कब करना है, किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन करनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इमेज जो होगी वो छोटी साइज की इस तरीके से बनेगी, आपको इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जब प्रेडिक्ट करेंगे साइज ऑफ इमेज और के बारे में, तो देखिए क्या होगा कि जो इमेज बनेगी वो बनेगी बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप देख सकते हैं दिस इज फोकस, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, फिर उसके बाद है रियल एंड इन्वर्टेड। अब रियल मीटिंग ऑफ लाइट से बन रही है तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, और जो साइज ऑफ इमेज होगा वो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, यानी बी डैश ए डैश का जो वैल्यू है हाइट की वो ए बी से कम होगी। अब सिक्स केस में आते हैं। ठीक है, ए है हमारा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, केस सिक्स, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तब के केस में क्या होता है। ठीक है, तो फिर से हम देखते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, यानी हम ये कह सकते हैं कि अभी तक तो बियॉन्ड सी हमने रखा था पिछले केस में ऑब्जेक्ट, अभी इन्फिनिटी पे रखा है, तो ऑल लाइट रे विच आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू द फोकस, यानी वो फोकस से पास करेंगे इस तरीके से। ठीक है, सभी लाइट रेस फोकस से पास करेंगे। तो अब देखिए साइज तो छोटी होती ही जा रही थी, तो उस हिसाब से हम क्या बोलेंगे यहाँ पर साइज, इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पे, यानी इमेज का जो साइज होगा वो कैसा होगा, मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, हाईली डिमिनिश्ड होगा, एंड दैट विल बी अ पॉइंट साइज। एक वर्ड यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है जिसको आपको ध्यान में रखना है कि दैट विल बी अ पॉइंट साइज। ठीक है, पॉइंट साइज का इमेज जो होगा बनेगा कहाँ, इमेज कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, और कहाँ पर बनेगा, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी यहाँ पर इसने ये गलत लिखा हुआ है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये गलत है, तो इसको हम काट देते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट होगा तो वो बनेगा फोकस पे, उसकी इमेज हमेशा बनेगी एट फोकस, यानी फोकस पे इमेज बनेगी। तो जिन बच्चों के पास बुकलेट होगा इसमें से इसको करेक्ट कर लेंगे कि इसके बीच में नहीं बनेगा, वो बनेगा फोकस पॉइंट पे ही बनेगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम आते हैं यूज़ ऑफ कॉनकेव मिरर के बारे में। अभी तक हमने सारी इन्फॉर्मेशन पढ़ ली, अब हम कुछ जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि अभी जो हमने ये ऊपर सारे एप्लीकेशन पढ़े हैं उन्हीं पॉइंट्स को हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब लास्ट केस से ही मैं समझा देता हूँ कि जो हेडलाइट या सर्च लाइट होती है गाड़ी वगैरह में, जो बाइक वगैरह में आपने देखा होगा, तो उसमें क्या होता है, किस तरीके का बल्ब के पीछे कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना होता है। ठीक है, और वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है वो पीछे इस तरीके से बल्ब को जो प्लेस किया जाता है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस किया जाता है। ठीक है, तो बल्ब को हम यहाँ पे प्लेस करते हैं यहाँ पे, और ये बल्ब जो होता है लाइट की रोशनी को आगे तो यहाँ से जाती ही है लाइट रेज, ठीक है, फ्रंट में जाती हैं, और इसके अलावा जो लाइट रे वापस पीछे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जाती हैं टकराने के बाद भी वो सीधे इस तरीके से चली जाती हैं। ठीक है, जो लाइट रे इधर पीछे की तरफ जाती हैं वो टकराने के बाद क्या करती हैं, सीधे इस तरीके से आगे निकल जाती हैं। तो क्या होता है कि इसका फोकस पॉइंट बढ़ जाता है, तो लाइट जो होती है इनफाइनाइट यानी काफ़ी दूर तक जाती है, उस बल्ब के द्वारा जो जल लाइट निकल के आ रही है वो काफ़ी दूर तक जाती है। तो इसका सबसे ज़्यादा उपयोग इमरजेंसी लाइट, सर्च लाइट में भी किया जाता है। ठीक है, हम इसको पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है। कॉनकेव मिरर आर कॉमनली यूज इन टॉर्चेस, पहला पॉइंट है कि टॉर्च में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सर्च लाइट में भी इसका इस्तेमाल होता है। व्हीकल्स हेडलाइट, व्हीकल हेडलाइट में टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट, टू गेट पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट
के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड एज अ सेविंग मिरर। सेविंग मिरर के लिए क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब इसको सामने रखा जाता है तो उल्टी इमेज यानी ऊपर की चीज़ें जो हम नहीं देख सकते हैं उनको देखने के लिए भी हमें इस्तेमाल करता है, ठीक है। और लार्जर इमेज ऑफ द फेस यानी फेस का बड़ा इमेज दिखाने के लिए भी इसका इस्तेमाल हम करते हैं, क्योंकि एक केस मैंने जो बताया था स्पेशल केस, उस केस में कैसी इमेज बनती है, बड़ी इमेज बनती है। थर्ड जो पॉइंट है उसको आपको याद रखना है कि इसको हम डेंटिस्ट मिरर भी कहते हैं यानी कॉनकेव मिरर कहते हैं, टू सी द लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट यानी जो मरीज है उसका बड़ा सा दांत देखने के लिए जो डॉक्टर्स होते हैं डेंटिस्ट होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं। एक और मैं अम्यूजिंग केस आपको बताता हूँ कि अगर आप अपना चम्मच लेंगे तो चम्मच जिस साइड से, चम्मच के जिस पोर्शन से आप खाना उठाते हैं उस पोर्शन में अगर आप अपनी इमेज देखेंगे तो आपको अपनी इमेज हमेशा उसमें उल्टी दिखेगी, आपका चेहरा नीचे और गला ऊपर दिखेगा, ठीक है। इसलिए होता है कि चम्मच का नीचे वाला पोर्शन आपके ऊपर वाले पोर्शन को देख रहा होता है और ऊपर वाला पोर्शन आपके गला को देख रहा होता है और बीच वाला पोर्शन बीच को देख रहा होता है, इसलिए इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है, उल्टी बनती है। कभी भी आप चम्मच में आप अपना इमेज अंदर साइड वाले पोर्शन में दिखेगा, तो जो चम्मच का स्पून का अंदर वाला पोर्शन होता है दैट वर्क्स लाइक अ कॉनकेव मिरर एंड द आउटर सर्फेस बल्ज पार्ट ऑफ द स्पून वर्क्स लाइक अ कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो दे आर द वेरी मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स विच आर अवेलेबल एवरीवेयर, यू कैन सी दोज टाइप ऑफ मिरर, ऑल्दो यू मस्ट हैव सीन दिस टाइप ऑफ मिरर इन योर साइंस लैब ऑल्सो। फोर्थ पॉइंट है, कॉनकेव मिरर आर यूज एज अ डॉक्टर हेड मिरर टू फोकस लाइट कमिंग फ्रॉम लैम्प ऑन टू द बॉडी पार्ट ऑफ द पेशेंट टू एग्जामिन द डॉक्टर, ठीक है। तो कभी कभार आपने टॉर्च जो होगा वो डॉक्टर्स के हाथ में भी देखा होगा, तो जो जिस पार्ट को एग्जामिन कर रहे हैं उस पार्ट पर पूरी लाइट फोकस करने के लिए भी डॉक्टर इस प्रकार के टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो प्रॉपर तरीके से एग्जामिन कर सकें किसी भी वाउंड का या किसी भी कट पार्ट जो भी जिनको भी किसी को भी एग्जामिन करना है। फिफ्थ पॉइंट है, कॉनकेव डिशेस आर यूज्ड इन टीवी डिश एंटीना टू रिसीव टीवी, जो टीवी का एंटीना होता है टाटा स्काई डिश वगैरह जो आप लगाते हैं बाहर उसमें जो उसका एंटीना होता है जिसको छतरी भी बोलते हैं कभी कभार गाँव में, तो वो किस तरीके का होता है, वो भी कॉनकेव मिरर के शेप का होता है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करके किसी एक पॉइंट पर जो रिसीवर होता है जो उसका उस पर वो फोकस करता है, उसी फोकस पॉइंट पे ही वो आपका जो लगा होता है तो पूरा कैच करता है सिग्नल, तो उसको क्या करते हैं कि पूरे सिग्नल को एक जगह कंसंट्रेट करने के लिए डिस्क को कॉनकेव शेप में ही बनाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट जो है सिक्स पॉइंट, लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज एज टू कंसंट्रेट सन लाइट टू प्रोड्यूस हीट इन सोलर फर्नेस। ये सबसे बड़ी बात है कि सोलर एनर्जी इज अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीवेयर एंड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज सच पावर प्लांट्स आर मेड इन विच बॉयलर क्या होता है, एक बड़े से पाइप बड़े से टंकी के ऊपर मतलब बड़े से पिलर के ऊपर एक बहुत बड़ी टंकी रखी जाती है जो मेटालिक कंडक्टर होती है जो कंडक्टिंग होती है, तो उसमें क्या करते हैं यहाँ पर पानी भरा जाता है और चारों तरफ मिरर्स इस प्रकार से लगाए जाते हैं कि जिससे जो सनलाइट होती है वो पूरी लाइट रिफ्लेक्ट करे और जितनी भी सनलाइट आ रही है आफ्टर रिफ्लेक्शन टू द मिरर वो सबकी सब कंसंट्रेट हो कि कहाँ पे, उसी बॉयलर के सरफेस पे। तो इससे क्या होता है कि हाई प्रेशर की स्टीम बनती है और वही स्टीम बाद में टरबाइन घुमाने के लिए यूज होती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में उसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो व्हेन यू विल सर्च ऑन द इंटरनेट यू विल फाइंड सो मेनी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट सच टाइप ऑफ प्लांट्स विच आर स्टिल वर्किंग एंड विच वर वी इन यूज्ड इन एंशियंट टाइम, सो यू कैन सर्च देम। कुछ अभी भी वर्क कर रहे हैं, कुछ पहले भी इसको इम्प्लॉय किया गया था। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कॉनकेव मिरर, इन नेक्स्ट क्लास आई विल मेक द रिविजन ऑफ दिस टॉपिक्स बट यू मे सी द वीडियो अगेन एंड अगेन एंड अंटिल यू विल नॉट ट्राई टू डू विथ योर सेल्फ यू विल नॉट बी एबल टू गेट द कम्प्लीट कॉन्सेप्ट बिकॉज देर आर सम फ्यू बेसिक पॉइंट्स विच यू विल नीड टू फोकस फॉर मोर एंड मोर टाइम देन यू विल बेटर अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड दिस इज़ वेरी मच यूजफुल, दिस इज़ हार्ड फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट बट वेन यू विल गो कॉन्सेप्चुअली पॉइंट बाई पॉइंट देन यू विल नेवर फेस प्रॉब्लम इन एग्जाम एंड नेदर इन सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। दिस चैप्टर
कम्स इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल क्वेश्चन एंड समटाइम्स थ्योरेटिकल क्वेश्चन ऑल्सो. सो दैट इज़ वेरी मच सिंपल हेयर. द न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैन बी सॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इफ यू डोंट नो बेटर अबाउट द टॉपिक्स एंड बेटर अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ओके, थैंक यू, टेक केयर. और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कम से कम वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हम आपके लिए, आपका लाइक ही मात्र हमारे लिए एक मोटिवेशन है. हो सकता है कि शायद कुछ ना कुछ नया पॉइंट हो जो आपको सीखने में यूज हो और आप इसको यूज कर सकें. तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा. तो हम आपको इसी तरीके से बेहतर पढ़ाते रहेंगे. अभी थोड़ा सॉफ्टवेयर का कुछ इशू है, इस वजह से हम थोड़ा प्रेजेंटेशन को उतना बेहतर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम इसको और भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे अगर आपका सपोर्ट बना रहा तो. ओके, थैंक यू सो मच. और देश को बचाइए, खुद को बचाइए, कोरोना से बचे रहिए. हम आप सेफ रहेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे और हमारा देश आगे बढ़ेगा. ओके, बाय.